नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। महागठबंधन की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन होगी लागू, मुख्यमंत्री। गोड्डा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के लिए वोट मांगने आए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निशाने पर भी केंद्र की मोदी सरकार रही। उन्होंने कहा है कि देश को, जनता को गुमराह करके भाजपा ने सत्ता हासिल की है। 2014 में महंगाई को लेकर हाय तोबा मचाया, तब गैस 450 रुपये सिलेंडर था, फिर भी भाजपा को महंगा लग रहा था। पिछले 10 सालों में भाजपा सत्ता में रही लेकिन महंगाई व बेरोजगारी की बात ही नहीं कही, नौकरी देने की बात नहीं की। 2014 का सारा रादे जुमला शामिल हुआ, अच्छे दिन नहीं आए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, लोकतांत्रिक देश में पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए उनकी राजनीति है। भाजपा ने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाया, मजदूरों को रोजगार नहीं दिया, युवाओं को नौकरी नहीं दी, चंद पूंजीपतियों को देश का मालिक बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरी भी मिलेगी, पुरानी पेंशन भी लागू होगा, वैकेंसी भी निकलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के खाते में पैसे भी आएंगे। रांची, धनबाद, जमशेदपुर व गिरिडीह में वोटिंग आज। झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि देश में छठे और झारखंड में तीसरे चरण के 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सभी 8963 बूथों पर कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने कंट्रोल रूम से ये जिम्मेदारी निभाएंगे। हर बूथ के अंदर और बाहर 4D कैमरे लगे हैं, सभी बूथों पर प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया है कि सभी बूथों पर मतदान कर्मी पहुंच गए हैं, सभी बूथ पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। वे शुक्रवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बता दें, झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग वेबकास्टिंग की मदद से वोटिंग स्पीड की भी मॉनिटरिंग करेगा और जरूरत के अनुसार मतदान कर्मियों को निर्देशित किया जाएगा। स्पीडी वोटिंग के लिए मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है ताकि मतदाता को मतदान के लिए कतार से ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग परिवार संग चुनाव पर्व में उत्साह से हिस्सा लेते हुए मतदान जरूर करें और पड़ोसियों एवं परिचितों को इसके लिए प्रेरित करें। बीजेपी ने साजिश कर हेमंत सोरेन को जेल भेजा, कल्पना सोरेन। झामो नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा है कि बीजेपी ने साजिश कर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। उसे डर था कि लोकसभा चुनाव 2024 में वे बाहर रहे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। झारखंड के लाखों लोगों को हक अधिकार देने वाले हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बीजेपी ने झारखंड और झारखंडियों के साथ खिलवाड़ किया है। वह शुक्रवार को राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के झामो प्रत्याशी विजय हंसदा के पक्ष में अमरापाड़ा व बेरियो में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी व झामो नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा है कि तीर कमान झारखंड की शान है, तीर कमान झारखंड का सम्मान है, तीर कमान झारखंड का स्वाभिमान है। हेमंत सोरेन को षड्यंत्र कर जेल में डाल बीजेपी ने झारखंड और झारखंडवासियों के साथ खिलवाड़ किया है। गिरिडीह में ऑटो से हो रही थी मवासी तस्करी, ग्रामीणों ने लगा दी आग। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के मोहली चुआ के समीप शुक्रवार की शाम को मवासी लदे ऑटो को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और ऑटो में आग लगा दी। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में तनाव जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा अंचल के इंस्पेक्टर मंटू कुमार दल बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। झारखंड में सामान्य से अधिक होगी बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अभिषेक आनंद ने बताया है कि 25 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। वहीं उन्होंने बताया है कि इसके बाद 26 और 27 मई को भी आंधी, बारिश एवं वज्रपात होने की संभावना है। 26 और 27 मई को आंधी चलेगी, वहीं 25 मई से ज़्यादा तेज हवाएं चलेंगी। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। वहीं झारखंड में अगले 15 दिन के मौसम के बारे में मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि पहले सप्ताह 24 से 30 मई के बीच से शुरुआती दौर में हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होगी। वहीं 31 मई से 6 जून के बीच में भी कुल मिलाकर पूरे झारखंड में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है।
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक जहांगीर के घर पहुंची ईडी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के सहायक जहांगीर के घर ईडी टीम शुक्रवार की शाम पहुंची है। टीम जहांगीर के घर में जांच कर रही है। इससे पहले ईडी की टीम ने बीते 5 मई को जहांगीर आलम के घर में छापेमारी की थी। जहांगीर के घर से 32.20 करोड़ कैश मिला था। यहां बता दें कि टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई की देर शाम गिरफ्तार किया था। दरअसल आलमगीर के पीएस के सहायक जहांगीर के घर से ईडी ने 35 करोड़ बरामद किए थे। इसे लेकर ईडी ने 2 दिनों तक उनसे पूछताछ की थी। 35 करोड़ रुपए की बरामदगी के मामले में ईडी को आलमगीर आलम सही जवाब नहीं दे पाए थे। वहीं ईडी की टीम इस मामले में सहायक जहांगीर के घर फिर से पहुंची है। अमित शाह ने जामताड़ा में सीता सोरेन के लिए चुनावी सभा की। देश के गृह मंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने शुक्रवार को दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए चुनावी सभा की है। अमित शाह ने इससे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। जामताड़ा विधानसभा के मेझिया छाता डंगाल मैदान में शाह ने कहा है कि झामो और कांग्रेस के लिए झारखंड भ्रष्टाचार का एटीएम बन गया है। उन्होंने कहा है कि 5 चरणों के चुनाव में हमने 310 का आंकड़ा छू लिया है। अब आने वाले 2 चरणों के चुनाव में 400 का लक्ष्य हासिल करना है। शाह ने कहा है कि देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, बेरोजगारी, भूख से उबारना है, इसलिए भाजपा की सरकार को लाना होगा। कांग्रेस की गोद में बैठी वर्तमान झारखंड की सरकार अपने परिवार के सदस्यों को सम्मान नहीं दे पाती, इस राज्य की जनता को क्या सम्मान देगी। जमशेदपुर के सोनारी में दिन दहाड़े 50 लाख के गहने की लूट। जमशेदपुर में शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अपराधी पुलिस की इस सुरक्षा तैयारी से डरे बिना बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे हैं। बता दें गुरुवार को ही अपराधियों ने कदमा में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी थी। अब इधर शुक्रवार को सोनारी एरोड्रम के पास दोपहर 1:45 पर बाइक सवार नकाबपोष लुटेरे एमबी ज्वेलर्स के शोरूम में हथियार के बल पर 2 लाख नकद और करीब 50 लाख रुपए के जेवर लूट कर फरार हो गए। बेखौफ लुटेरे दुकान में लूटपाट कर बाहर खड़ी बाइक पर बैठकर आराम से निकल भागे हैं। साहिबगंज में 10वीं-12वीं बोर्ड व इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाले विद्यार्थी सम्मानित। साहिबगंज जिला समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डीसी हेमंत सती ने सीबीएसई, आईसीएसई, 10वीं-12वीं तथा जैक बोर्ड की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में जिले में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। इसमें आईसीएसई 10वीं में संत जेवियर्स स्कूल साहिबगंज की छात्रा राखी कुमारी प्रथम, सोनू कुमार द्वितीय, दिव्यांशु, स्नेहा कुमारी व नमन कुमार तृतीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया। इसी तरह सीबीएसई 10वीं परीक्षा में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हर्ष कुमार प्रथम श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया है। पलामू में रोटरी स्कूल की बस में लगी आग। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के स्टेशन रोड स्थित रोटरी स्कूल के कैंपस में लगी 2 नंबर की बस में शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हालांकि आग लगते ही उठ रहे धुएं को देखकर पड़ोसी सक्रिय हुए और पानी डालकर आग को बढ़ने नहीं दिया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी तरह से आग पर काबू पाया है। इस दौरान स्कूल परिसर में भीड़ लगी रही और सड़क किनारे अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। फूड सेफ्टी अफसर नियुक्ति परीक्षा में राहत देने से इनकार। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति में उम्र की छूट देने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट की निगरानी में जेपीएससी की परीक्षा हो रही है, ऐसे में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी है। इस संबंध में नीतीश सैमुअल कुजूर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से अवकाशकालीन बेंच के सामने जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था। 30 फुट ऊंचे मचान पर झूलते भोक्ताओं ने बरसाए आस्था के फूल। अरगोड़ा में आयोजित मंडा पूजा का समापन शुक्रवार को झूलन के साथ हुआ। श्री मंडा पूजा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में 350 से अधिक भोक्ता झूलन में शामिल हुए। गुलची के फूलों, रंग बिरंगे गुब्बारे और सजावटी पंखों से सजे भोक्ता 30 फुट ऊंचे मचान पर चढ़कर लकड़ी के विशाल लट्ठे पर झूलने में शामिल हुए। इस दौरान भोक्ताओं ने अपने पास रखे गुलची के फूलों को नीचे खड़े जनसमूह की ओर उछाला। आस्था के इन फूलों को महिलाओं ने आंचल में लपक लिया।
इस दौरान समिति के अध्यक्ष मुनेश्वर साहू सहित अन्य लगातार पास ही बने मंच से व्यवस्था का जायजा लेते रहे। इससे पहले भोक्ता दादुल घाट पर एकत्र हुए थे। मतदान करें और मुफ्त में मेधा लस्सी पाए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से मेधा डेयरी ने पहल की है। जो भी मतदाता मत डालेंगे और उंगली पर लगी चुनावी स्याही दिखाएंगे तो उन्हें मेधा लस्सी मुफ्त मिलेगी। यह सुविधा चयनित मतदान केंद्र के सामने चिन्हित कियोस्क या स्टॉल पर मिलेगी। साथ ही मेधा डेयरी ने चुनावी जागरूकता अभियान के तहत हर मिल्क बूथ पर बैनर लगाया है। लोगों ने इस महापर्व में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं मेधा दूध के पैकेट पर भी मतदान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया है। मेधा डेयरी के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने भी वीडियो संदेश से मतदान करने की अपील की है। कस्तूरबा और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को कैरियर परामर्श देंगे शिक्षक। झारखंड में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 50,000 से अधिक छात्राओं को कैरियर विकल्पों के चयन और लक्ष्य निर्धारण के लिए सलाह दी जाएगी। कैरियर परामर्श पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त 106 शिक्षक इसमें सहायता करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के मार्गदर्शन में PCI इंडिया की ओर से राज्य के 10 जिलों से चयनित 106 शिक्षकों को इससे संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इन शिक्षकों को आर्थिक स्वतंत्रता के मार्ग पर स्थापित छात्राओं की मदद करने और उन्हें उत्पादक मानव संसाधनों के रूप में विकसित होने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पलामू में SP के फर्जी हस्ताक्षर से बने चरित्र प्रमाण पत्र। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के फर्जी हस्ताक्षर से 12 व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। हालांकि पुलिस के अनुसंधान में सामने आया है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहा है। इस संबंध में पलामू SP रिश्मा रमेशन ने पत्रकारों को बताया है कि अनुसंधान के क्रम में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। पुलिस पूरे मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। फर्जी हस्ताक्षर और मोहर से प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इसके अलावा पत्रांक ज्ञापांक भी दिया गया है। दरअसल 29 जुलाई 2023 को पलामू SP कार्यालय के गोपनीय शाखा में आर्म्स डिप्टी चीफ ऑफिसर फॉर प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिप बिल्डिंग सेंटर गोस्थाज गेट नेवल बेस विशाखापट्टनम के लेफ्टिनेंट अभिषेक का एक पत्र आया था। इस पत्र में चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के साथ आधार कार्ड भी लगाया हुआ था। भाजपा धर्म की राजनीति के बाद जातीय राजनीति करने लगी झामुमो। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर धर्म की राजनीति के बाद जातीय राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहले क्षत्रिय समाज और कायस्थ समाज को टारगेट किया जा रहा है। पहले भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम किया। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है जहाँ यह समाज भाजपा से क्षुब्ध नजर आ रहा है। अब जबकि भाजपा यह जान चुकी है कि वह हजारीबाग और धनबाद सीट हारने जा रही है तो देश एवं दुनिया में अपने बौद्धिक शैक्षणिक क्षेत्र में लोहा मनवाने वाले कायस्थ समाज के लोगों को निशाना बना रही है। विदेश और आर्थिक मामले के जानकार पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा को नोटिस दिया जा रहा है। राजेश सिन्हा को नोटिस दिया जा रहा है। अब जबकि इन लोगों ने अपना जवाब दे दिया है तो उन्हें सामंतवादी करार देकर इन्हें टारगेट किया जा रहा है। सीता सोरेन के पक्ष में मधु कोड़ा ने किया प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दुमका लोकसभा क्षेत्र के BJP प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने चार गांव कोल्हा दलदली झिकरा व छोटा फूल झिझिरी में जनसंपर्क अभियान चलाया। अपनी सभा के दौरान झामो प्रत्याशी नलिन सोरेन पर जमकर बरसे। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झामो प्रत्याशी नलिन सोरेन के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि 7 बार के विधायक जिन्हें लगातार 35 साल से जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त है उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए क्या किया है। इतनी लंबी अवधि बीतने को है लेकिन आज तक एक ITI कॉलेज अपने गृह प्रखंड में खुलवाया नहीं। उन्होंने कहा है कि विधायक के विधानसभा क्षेत्र में आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पक्की सड़क नहीं पहुँच पाई है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिए निर्देश। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में झारखंड भाजपा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बोकारो की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चेतावनी दी है और नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश के बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंध ने अपने आदेश को पुनरीक्षित करते हुए 25 मई को अपने
कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की है। इसके साथ ही जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे उनको 2 महीने के अंदर 1 दिन का अवकाश भी मिलेगा। वहीं भाजपा पर झारखंड में 4थे और 5वें चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर मानक मतदाता पर्ची की जगह अब की बार 400 पार के साथ फोटो, चुनाव चिन्ह आदि के साथ मतदाता पर्ची वितरण करने का आरोप है। इसे लेकर FIR भी दर्ज है। अमित शाह ने झारखंड में लव लैंड व फॉरेस्ट जिहाद का मुद्दा उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को झारखंड के जामताड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को विजयी बनाने की अपील करते हुए पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा। सभा के दौरान शाह ने कहा है कि झारखंड में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यदि इसे नहीं रोका गया तो आदिवासियों की जमीन व जंगल दोनों खतरे में पड़ने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामो के लिए झारखंड सिर्फ एक ATM की तरह है। शाह ने अटल जी की याद दिलाते हुए भाजपा को झारखंड के सपने को साकार करने वाली पार्टी बताया है। वहीं घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए शाह ने कहा है कि यहां पर घुसपैठ का मुद्दा आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा प्राण प्रश्न बन गया है। ये कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन जी और अभी पकड़े गए उनके मंत्री झारखंड में घुसपैठ कराकर आदिवासियों के खिलाफ लव जिहाद, लैंड जिहाद और फॉरेस्ट जिहाद कराने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुंह से बेरोजगारी का ब नहीं निकलता, तेजस्वी यादव। RJD नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर के मोहनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला किया है। तेजस्वी यादव देवघर में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के लिए प्रचार करने आए थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देवघर में पीएम ने कोई काम नहीं किया। तेजस्वी ने कहा है कि पीएम को मुंह से महंगाई का म नहीं निकलता, बेरोजगारी का ब नहीं निकलता, गरीबी का ग नहीं निकलता। पीएम ने सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की है। पीएम ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन ये वादे झूठे साबित हुए। पीएम नौकरी रोजगार का बात नहीं करते हैं। 2014 में पीएम कहते थे कि सबके खाते में 15 लाख रुपये आएंगे, काला धन लाने के वादे सिर्फ जुमला था। 2009 में किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस की स्कीम जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए को दोहराया है। अवैध खनन स्थलों को चिन्हित कर कार्रवाई करे उपायुक्त। खूंटी उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पिछले महीनों के दौरान अवैध खनन की रोकथाम की दिशा में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निर्देशित किया गया है कि खनिजों के अवैध खनन स्थलों को चिन्हित कर अवैध परिवहन के मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाए। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2024 से अब तक पत्थर एवं बालू के अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध 60 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंडिया गठबंधन 10 किलो अनाज देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देवघर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। खड़गे देवघर के मोहनपुर में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगने आए हुए थे। खड़गे ने मोदी सरकार के मुफ्त अनाज की स्कीम पर सवाल उठाते हुए बोला है कि पीएम बोलते हैं कि मैं 5 किलो अनाज फ्री में देता हूँ, क्या पीएम मोदी अपने घर से लेकर आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरित क्रांति की है, अगर कांग्रेस सत्ता में आई लोगों को 10 किलो अनाज देंगे। खड़गे ने कहा है कि देश में सरकारी नौकरी के पद खाली है, कांग्रेस सत्ता में आई तो 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। अग्निवीर स्कीम के ऊपर हमला करते हुए बोला है कि 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे, मोदी सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार सरना कोड भी लागू करेगी। धन्यवाद।